ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। बिहार में तेजस्वी यादव नहीं दिखा सके खेला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत से जीता विश्वास मत, शून्य के मुकाबले पड़े 129 वोट, विपक्ष ने वोटिंग के वक्त किया वॉकआउट। सदन में विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार का विपक्ष पर संगीन आरोप, कहा मेरे पीछे आरजेडी के नेता कमाने लगे थे पैसा, कराएंगे इसकी जाँच। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में नीतीश पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, पूछा बिहार जानना चाहता है कि क्यों आपने 9-9 बार शपथ ग्रहण किया। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका, 3 विधायकों ने बदला पाला, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष के साथ बैठे, उस वक्त अवध बिहारी चौधरी बदल रहे थे कुर्सी। बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव हो सकते हैं अगले विधानसभा अध्यक्ष, कल दाखिल करेंगे नामांकन, आज का संचालन डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने किया। मोतिहारी में होटल कर्मी के संदिग्ध मौत से दहशत, परिजनों ने हंगामा कर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने होटल कर्मियों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। भागलपुर में शादी के 2 साल बाद ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप, परिजन बोले दहेज के लिए बेटी को मार डाला, आरोपी सास और पति गिरफ्तार। किशनगंज के सफाई कर्मी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी चंदन गिरफ्तार, पुलिस ने अररिया के एक गांव से दबोचा, धारदार हथियार से हुई थी बेरहमी से हत्या। रोहतास में बियाडा की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई सीओ अनामिका कुमारी से नोकझोंक, 27 भूमिहीनों को दिलाया गया कब्जा। 108 साल के बुजुर्ग की भोजपुर में मौत के बाद धूमधाम से निकली शव यात्रा, डीजे और होली के गीतों के साथ निकली अंतिम यात्रा, गम की बजाय खुशी में झूमते दिखे परिजन। आज की खबरों में बस इतना ही, ताज़ातरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।